डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए एसएससी एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि जुलाई 2023 में हुआ था। जुलाई 14 को ये हेल्ड हुआ था, तो इसके सॉल्यूशन आप सबको मैं कराऊंगा और जहां पे भी डिटेल की जरूरत होगी ग्रामर की, उस डिटेल में जाऊंगा और आप नोट करते जाइए जहां पे भी जरूरत हो, तो प्लीज नोट डाउन, अपनी नोटबुक तैयार रखिए। सॉल्यूशन एसएससी क्वेश्चन पेपर जुलाई 14, 23। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर कैटेगरीज। ये क्वेश्चन नंबर वन, यू हैव बीन गिवन वन सेंटेंस दैट हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर कैटेगरीज सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। फोर सेगमेंट्स ये दे दी गई हैं आपको। पहली सेगमेंट ये है, इसमें गलती है या नहीं है। वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग नीचे दी हुई है, तो अब देखिए एक एक कैटेगरी को आप चेक करिए। इन द मॉर्निंग फ्रेज ठीक है, इन द इवनिंग भी होता है, इन द मॉर्निंग भी होता है, इन द आफ्टरनून भी होता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। तो इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून भी होता है, और सिंस 10 o'clock ठीक है बिल्कुल, जो सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock बिल्कुल होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे बिल्कुल होता है, सिंस यस्टरडे ऑलराइट, और ये भी ठीक है, इसमें भी गलती नहीं है, इसमें भी गलती नहीं है। ये वेटिंग फॉर मी बिल्कुल ठीक है, वेटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इट इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन, वेट फॉर होता है, मी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो गलती यहाँ है। देखिए क्या गलती हो सकती है। आंसर तो आप करेक्ट कर ही दोगे, बट यू मस्ट नो व्हाट द एरर इज। एरर क्या है? नीतू थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो नीतू हैज आना चाहिए यहाँ पे, हैज बीन। नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। क्लियर? तो यहाँ हैज आना चाहिए था, नीतू हैव गलत है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड आपको चुनना है, अंडरलाइन वर्ड अंडर होगा यहाँ पे। द डॉग कैन क्लाइंब अंडर ट्री, ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है, क्लाइंब जो होती है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, अंडर द ट्री नहीं होता, तो अंडर तो गलत है, तो अपोजिट देना है हमें। हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस, ओवर द फेंस, क्लाइंब ओवर होता है हमेशा, ठीक है, फॉर द अंडरलाइन वर्ड अंडर, ठीक, ये होना चाहिए। Incorrectly spelled word in the given sentence. Four words दिए हुए हैं, assigned दिया हुआ है आपको, apprentices दिया हुआ है, beggars और glittering। आपको पैसेज में देखना है कि beggars ठीक है, assigned देखिए, assigned भी ठीक है, और next apprentices ये भी ठीक है, glittering आपका गलत है, double R नहीं आता है। glittering के spelling क्या होते हैं? glitter ये होता है, तो जब ing लगाते हैं तो डबल आर नहीं होता है इसका, इसमें सिल्वल तो बिल्ली तो सिल्वल है, परंतु ये रूल को नहीं मानता इस तरीके से, और स्ट्रेस किसी और सिल्वल पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। सेंटेंस है, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। जब भी आपको चेंज ऑफ वॉइस करना हो तो स्टेप नंबर वन क्या होता है, आपको वर्ब चेक करना है, उसका वर्ब क्या है। वर्ब है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है बी प्लस बी थ्री के साथ। ये रूल आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, अगर बी वन हो या डू डज हो, साथ में डू डज डू या डज प्लस बी वन हो तो उसका पैसिव बनता है इज एम आर प्लस वी थ्री के साथ। वी टू हो या डिड हो, डिड प्लस वी वन हो तो उसका पैसिव बनेगा वाज वर प्लस वी थ्री के साथ। इस तरह से सारों के रूल होते हैं, दो रूल मैंने बता दिए, चेंज ऑफ वॉइस करेंगे अलग से लेंगे तो उसमें बता दूंगा मैं आपको, बीच में कहीं और सेंटेंस आएगा बता दूं, तो दो रूल ये। थर्ड ये हो गया, अगर आपको कहीं पे मॉडल वर्ब मिले तो बी प्लस वी थ्री से उसका पैसिव बनेगा,
आपको ऑप्शन में ये देखना है कि बी प्लस वी थ्री कहाँ पे है। अब चार ऑप्शन होंगे, देखते हैं बी विल विल बी प्लस वी थ्री आनी चाहिए। पहले में हैव बीन आ गया, ये तो गलत हो गया। सेकंड में आर बीइंग आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अनाउंस्ड द कंपनीज, अनाउंस्ड आ गया, विल बी का जिक्र ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन अपने आप ही बच गया आपके पास। सही, विल बी अनाउंस्ड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, अगर आप इसको समझ लेते हो कि जो वो एक्टिव सेंटेंस में क्या वर्ब है और उसका किस में चेंज होना चाहिए, वही चेक करिए पहले। अगर नहीं है तो उनको काटते जाइए, तो आंसर आपके सामने बिल्कुल सही होगा। सिलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है ये चेक करना है आपको। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, राइट। पहला ऑप्शन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न फ्यूरियसली। एक एक करके चेक करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ तक रियल सब्जेक्ट ये है ऑफ द कॉम्पिटिशन। हैज बीन, हैज इसके लिए आ रहा है, देखिए गलत हो गया, हैव बीन आना चाहिए था। अ पार्टिसिपेंट प्लूरल है और ए आ गया, ये ऐसे रॉन्ग हो गया। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन यहाँ तक बिल्कुल सही है, परंतु इज वर्ब ये सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स टेक सिंगुलर वर्ब, ये ऐसे गलत हो गया। तो देखिए, इसमें पार्टिसिपेंट्स ये प्लूरल था तो इसके लिए आर आ गया, दिस इज राइट चॉइस। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, उत्सुकता के साथ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड। अप्रोप्रिएट एंटोनिम सिलेक्ट करना है भैया आपको। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, सर्वाइल का मतलब देखना आपको, और ये एंटोनिम लेना है, राइट। एरोगेंट अलग होता है बिल्कुल, सर्वाइल सर्वाइल नहीं होता है, एरोगेंट, एरोगेंस होता है जो अपने ईगो में रहता है और किसी से बात नहीं करता और शो ऑफ करता है बहुत ज्यादा कि मैं बहुत एजुकेशनिस्ट हूँ, बहुत बड़ा या कुछ और नॉलेज है उसको। शीपिश शर्मिला होता है। बिकरिंग कुछ और चीज होती है, पार्टी में बिकरिंग होगी, टूट फूट होने वाली है। कनिंग मकार होता है। अब देखिए, हेनरी सो सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब चापलूस होता है, पटरिंग करे, बिकरिंग नहीं आएगा, शीपिश नहीं आएगा, कनिंग नहीं आएगा, तो ये एरोगेंट ही आएगा बिल्कुल। तो ये इसका करेक्ट चॉइस थी, एरोगेंट। सिलेक्ट द ओपिनियन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ थिंग फिट टू इट। एलिजिबल तो जिसमें काबिलियत होती है, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, उसे योग्यता के साथ जोड़ते, योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे डाइजेस्टिबल जो हजम हो जाए, क्योरेबल जिसका इलाज हो जाए, एडिबल जो खाने की वस्तु होती, अ थिंग फिट टू इट, दिस इज द राइट चॉइस। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, अ थिंग फिट टू इट। आपको ये बहुत से लर्न कर लेना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन लिली लिवर्ड, लिली तो लिली लिवर्ड डरपोकी हो गया, तो अपोजिट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट, ब्रेव नहीं है, कॉमिकल नहीं है, नॉटी नहीं है, ब्रेव ही है, नॉट ब्रेव, जो ब्रेव ना हो, लिली लिवर्ड, चिकन हार्टेड जैसे कहते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन जेलस, जेलस डिटैच नहीं होता है, एपथेटिक नहीं होता है, जिसमें एपथेटिक जो सिंपथी की कमी होती है, बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, ये भी नहीं होता, तो ये एंथुजियास्टिक, उत्साहपूर्ण, जोशीला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, परसुएड मनाना होता है, एक काबिलियत होती है, होल्ट करना स्टॉप करना होता है, सप्रेस मैंने दबाना होता है, आउटरेज किसी को नाराज करना होता है, इम्प्रेस करना, आप परसुएड करके इम्प्रेस करते हो, मनाते हो, इम्प्रेस कर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इनकलकेट, एंडेंजर बिल्कुल गलत है, इंस्पायर करना, प्रेरित करना होता है,
इंपोर्ट करना, आयात करना होता है, इंस्टिल करना, बिल्कुल सही है। किसी के अंदर कोई एजुकेशन डालना, बच्चों को हम वी इंस्टिल एजुकेशन इन आवर चिल्ड्रन, इनकलकेट करते हैं। ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनी वेयर। आपको इसको पैसिव वॉइस देखना है। फिर वही स्टेप पे आ जाओ, वॉन्ट रिसीव, ये है वॉन्ट क्या होता है, वुड या विल, ही विल नॉट रिसीव या ही वुड नॉट रिसीव, राइट। तो वुड या विल क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का पैसिव बनता है बी प्लस वी थ्री के साथ। तो वॉन्ट बी थर्ड फॉर्म, वॉन्ट बी रिसीव्ड, अब देखिए चेक करिए कहाँ पे वॉन्ट बी रिसीव्ड, यहाँ है, ठीक है, वॉन्ट हैव रिसीव्ड ये गलत हो गया, शुडंट बी रिसीव्ड ये गलत हो गया, वॉन्ट हैव बीन ये बीन फालतू आ गया, ये गलत, तीनों तो ये सही बचा। आप इस तरीके से करिए, चेंज वॉइस के रूल लर्न कर लीजिए और एक एक करके आप इनको गलत को काट सकते हैं। Appropriate synonym for the given word. Feeble, feeble कमजोर होता है बहुत ज्यादा। Unheedful जो ध्यान ना दे। Strong मजबूत हो गया, weak कमजोर, ये है। Painful जो boon और bane होती है ना, boon और bane, ये curse होती है और ये boon क्या होता है, blessing होता है एक किस्म से। Select the correct spelling of the underlined word. Association, s, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। एसोसिएशन, ये डबल एस यहाँ गलत है, ये वाला सही है। एसोसिएशन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट। टाइड हरसेल्फ इन नॉट, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड पनिश, ये गलत है। Become very confused या make no progress in the argument, ये is not right. Won't modify, this also not. Become very confused when you are trying to explain something. 16th question, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप इसको आराम से पढ़ के कर सकते हो कि कौन सा पार्ट पे, ए पार्ट पहले आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो मैंने आंसर दे दिया है डी सी ए बी, ये पहले नंबर वन पे, डी सी ये दूसरे पे, और फिर ए पार्ट ये वन पे, और ये तीसरे पे आए, डी सी ए बी ये फोर्थ पे, डी नंबर वन पे, सी नंबर टू पे, और ए नंबर नंबर थ्री पे, यस, और ये नंबर फोर पे। अब जोड़ के देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। थर्ड ये आएगा और फोर्थ आएगा, थर्ड ये आएगा इन बिहार एंड सेंट्रल, और ये फोर्थ आएगा, इस तरीके से आप कर लें। सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ, ये भी आपको इसी तरीके से करना और बच्चे आगे दिक्कत करें। बी डी ए सी, बी नंबर वन पे, ये नंबर वन पे आएगा, ये नंबर टू पे आएगा, ए सी थ्री नंबर पे, बी डी ए सी, बी डी ए सी, डी नंबर, बी डी ये नंबर टू पे, ए नंबर थ्री पे, बी डी ए सी, बी नंबर वन और डी नंबर टू, ए नंबर थ्री, ये और सी, तो ये कर ले। आगे ग्रामर के देख लेते हैं कोई हो। She is dash a peacock in the blue satin saree. Comparison है, very beautiful as बिल्कुल नहीं होता, so beautiful as ये negative में आता है, not अगर होता, ये भी गलत है। As beautiful as यहाँ आएगा, she is as beautiful as. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. ये भी jumbled order का है। Answer इसका B D C A, मैं लिख देता हूँ बी डी सी ए, प्लीज इसको कर लेना बाद में। और सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास, हाइनास सेंस या ये नहीं है, ये नहीं है सेंट, जो स्मेल होती। कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं हम यहीं। ह्यूमन लाइफ इज आ गया, देखिए
पैसिव में है, यहाँ डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यहाँ डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड आएगा यहाँ पे ऑप्शन थ्री. कंसीडर्ड यूनिक, अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द विटनेस ऑफ द सेल्फ. नो, नॉन ऑफ द सेल्फ ये गलत है, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ ये थर्ड आएगा. फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस सिंस द फॉर्मलेस गॉड, ये शुरू है सेंटेंस का, तो सिंस से शुरू हो गए क्योंकि आगे कोमा लगा हुआ. आवर माइंड ओपन वांडर्स वेयर एवर इट गोज. एज ए रिजल्ट, बिल्कुल यही आएगा, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप वी आर अनेबल टू डेवलप. और यहाँ पे ब्रेक इन टू वन ही ठीक रहेगा, इसको पढ़ लें. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर हेल्ड इन 2023 ऑन जुलाई 14. तो इसी तरह से मैं बीच बीच में लेके आता रहूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए, और प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम है, इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि औरों तक ये पहुंचे. और किसी और, आई विल बी प्रेजेंट टुमारो. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच. लेट मी एंड अप द स्ट्रीम.